टोयोटा मोटर्स ने रिसेंटली अपने न्यू इनोवा हाईक्रॉस को इंडिया में रिवील कर दिया है, जिसकी लॉन्चिंग और डिलीवरीज जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। और उसी के साथ टोयोटा अपने इनोवा क्रिस्टा को फिर से एक बार डीजल इंजन में बेचना 2023 से शुरू करने वाला है। तो ऐसे में अगर आप भी एक 7-सीटर गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको इनोवा हाईक्रॉस और इनोवा क्रिस्टा इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंफ्यूजन होने वाली है। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपेयर करेंगे इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस को, और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी इनमें से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इनके डायमेंशंस को। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इनोवा हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा से लेंथ में, विड्थ में और व्हील बेस में, इन तीनों ही डायमेंशंस में इनोवा क्रिस्टा से बड़ी है। पर जब बात आती है हाइट की तो इनोवा क्रिस्टा से इनोवा हाईक्रॉस थोड़ी कम हाइटेड है। पर ओवरऑल अगर देखें तो इनोवा हाईक्रॉस एक बड़ी गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा से, तो क्लियरली आपको इनोवा हाईक्रॉस में ज्यादा कैबिन स्पेस मिलेगी कंपेयर टू इनोवा क्रिस्टा। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस और माइलेज को। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनोवा क्रिस्टा में दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस में भी दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर वो दोनों के दोनों पेट्रोल है, एक नॉन हाइब्रिड और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इनोवा क्रिस्टा के दोनों ही इंजिन्स इनोवा हाईक्रॉस से कम पावरफुल है, पर जब बात आती है टॉर्क की तो वो इनोवा हाईक्रॉस के टॉर्क से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। पर इनोवा क्रिस्टा में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस में आपको सिर्फ सीवीटी और ईसीवीटी, ये दो ट्रांसमिशन ही मिल पाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम पावर फिगर्स देखें तो इनोवा हाईक्रॉस एक पावरफुल गाड़ी है कंपेयर टू इनोवा क्रिस्टा, पर इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ना होने के कारण बहुत सारे कस्टमर्स डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बात करेंगे माइलेज की तो इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल इंजन से कंपनी क्लेम करती है 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, वहीं पे डीजल इंजन से कंपनी क्लेम करती है 14 टू 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है 21.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, और नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन की माइलेज अभी तक कंपनी ने क्लेम नहीं करी है, पर हम इस इंजन से 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो माइलेज वाइज भी इनोवा हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा से काफी अच्छी है। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स और फीचर्स को। इनोवा हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा के सामने थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखती है साइज में और काफी मस्कुलर लगती है, थोड़ी एसयूवी फील इनोवा हाईक्रॉस में आती है। वहीं पे इनोवा क्रिस्टा एक रेगुलर एमपीवी टाइप उसका लुक निकल कर आता है, एसयूवी की कोई भी फीलिंग उसमें नहीं मिलती जो कि इनोवा हाईक्रॉस में मिलती है। इन दोनों गाड़ियों में कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एलईडी हेडलाइट्स। इनोवा क्रिस्टा में प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, वहीं पे हाईक्रॉस में रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलाइट्स मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको एलईडी फॉग लाइट्स मिल जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पर इनोवा हाईक्रॉस में आपको डुअल फंक्शनल एलईडी डीआरएल मिलते हैं और फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलता है जो कि इनोवा के क्रिस्टा में नहीं मिलता। इनोवा हाईक्रॉस में आपको बड़े 18 इंचेस के सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं पे इनोवा क्रिस्टा में आपको सिर्फ 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ही मिल पाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और दोनों गाड़ियों में भी आपको ORVM पे टर्न सिग्नल मिलता है, पर इनोवा हाईक्रॉस के ORVM पर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलता, और इनोवा क्रिस्टा में एक पेडल लैंप लगा हुआ है ORVM के नीचे जो कि इनोवा हाईक्रॉस में मिसिंग है। रियर साइड में आपको दोनों गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, रियर वाइपर डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, ये फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाएंगे, पर इनोवा हाईक्रॉस में आपको एलईडी टेल लाइट्स और एलईडी टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, वहीं पे इनोवा क्रिस्टा में हेलोजन टेल लाइट्स और हेलोजन टर्न सिग्नल्स मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो इनोवा हाईक्रॉस में आपको ज्यादा एक्सटीरियर फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू इनोवा क्रिस्टा। अब देख लेते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में आपको कौन से कॉमन फीचर्स मिलते हैं। एम्बिएंट लाइट, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाईक्रॉस में मेमोरी फंक्शन भी मिलता है पर इनोवा क्रिस्टा में मेमोरी फंक्शन मिसिंग है। लेदर सीट्स, कैप्टन सीट्स, दोनों गाड़ियों में आपको कैप्टन सीट्स मिलती है सेकंड रो में, पर इनोवा हाईक्रॉस की कैप्टन सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ आती है, वहीं पे इनोवा क्रिस्टा की कैप्टन सीट्स को आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। कूल ग्लोव बॉक्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रूफ माउंटेड एसी, फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट, इंफोटेनमेंट स्क्रीन विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट। हाईक्रॉस में आपको 10.0 इंचेस की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, वहीं पे क्रिस्टा में आपको 8 इंचेस की छोटी स्क्रीन मिलती है।
दोनों गाड़ियों में आपको कार कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, पर इनोवा क्रिस्टा में सिर्फ आपको 3 कार कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वहीं पे हाईक्रॉस में 65 प्लस कार कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। हाईक्रॉस में आपको प्रीमियम JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं पे इनोवा के क्रिस्टा में आपको रेगुलर स्पीकर्स मिलते हैं। और इनोवा हाईक्रॉस के एसी में डुअल जोन फंक्शन मिलता है, इनोवा क्रिस्टा के एसी में सिर्फ सिंगल जोन फंक्शन ही मिलता है। क्रिस्टा में आपको मैनुअल आयरवीएम मिलता है, वहीं पे हाईक्रॉस में आपको ऑटो डिमिंग वाला आयरवीएम मिल जाता है। हाईक्रॉस में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वहीं पे क्रिस्टा में आपको पुराने स्टाइल वाला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं इन दोनों गाड़ियों में। पर अगर हम बात करते हैं इनोवा हाईक्रॉस में मिलने वाले ज्यादा फीचर्स की, जो कि इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलते, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, रियर सनशेड, ये फीचर्स आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलते, जो कि इनोवा हाईक्रॉस में मिल जाते हैं। तो इंटीरियर फीचर्स में भी इनोवा हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा से काफी सामने है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी में कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाएंगे। पर इनोवा क्रिस्टा में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस में आपको सिर्फ 6 एयरबैग्स ही मिल पाते हैं। इनोवा हाईक्रॉस में आपको चारों ही टायर्स में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, पर इनोवा क्रिस्टा में आपको सिर्फ फ्रंट 2 टायर्स में ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली इनोवा हाईक्रॉस की ब्रेकिंग इनोवा क्रिस्टा से काफी अच्छी होने वाली है। पर कुछ ऐसे फीचर्स जो कि इनोवा हाईक्रॉस में मिल जाते हैं, जो कि इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलते, जैसे कि इनोवा हाईक्रॉस में टोयोटा का लेटेस्ट टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 मिल जाता है, जिसमें आपको एडास के 5 फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक डायनेमिक रेडार क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, प्री कोलिजन सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और लेन ट्रेस असिस्ट। ऐसे टोटल 6 एडास फीचर्स आपको इनोवा हाईक्रॉस में मिलते हैं। उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड ऐसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी आपको इनोवा के हाईक्रॉस में मिल जाएंगे। तो सेफ्टी फीचर्स में भी इनोवा हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा से काफी आगे निकल जाती है। और लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की। तो इनोवा क्रिस्टा की प्राइस शुरू होती है 18.09 लाख रुपीज से और जाती है 27.7 लाख एक शोरूम तक। वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस की प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है, वो अगले साल के जनवरी मंथ में रिवील होने वाली है, पर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग 22 लाख से 28 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए या फिर इनोवा क्रिस्टा लेनी चाहिए। तो अगर आपको एक डीजल MPV लेनी है तो आपके पास क्लियरली एक ही ऑप्शन बचता है, इनोवा क्रिस्टा डीजल, क्योंकि इनोवा हाईक्रॉस में तो डीजल ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। पर अगर आपको एक पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 2-3 लाख ज्यादा इन्वेस्ट करके इनोवा हाईक्रॉस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनोवा हाईक्रॉस में आपको ज्यादा कैबिन स्पेस, ज्यादा फीचर्स, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस और काफी बढ़िया माइलेज इनोवा हाईक्रॉस में आपको 2-3 लाख ज्यादा इन्वेस्ट करके मिल सकती है। तो इसीलिए अगर आपको पेट्रोल में एक 7-सीटर MPV खरीदनी हो तो आपको इनोवा क्रिस्टा के बजाय इनोवा हाईक्रॉस ले लेनी चाहिए। पर अगर आपको एक डीजल MPV खरीदनी हो तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनोवा क्रिस्टा ही खरीदनी पड़ेगी। तो बस हॉरिजन वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।